सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल माय पेट्स इन्फो पे आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो शेयर करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस, क्योंकि ये मेरे 2021 की फर्स्ट वीडियो है और आज है 2 जनवरी। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। बहुत अच्छे से इस साल को बिताइए, सेफली बिताइए। और पिछले साल में जो भी हम लोगों के साथ बुरा हादसा बीती है, मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा बुरी थी 2020। मेरे ज़िंदगी के, मतलब मेरे दाएं हाथ बोल सकते हो, मेरे चले गए हैं मेरे पापा, जो कि मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। मैं इतना सबसे ज़्यादा लाइफ में अगर किसी को प्यार की वो है मेरे पापा। हम सभी के लिए पापा कितना ज़्यादा मायने रखते हैं, और वो जब चले जाते हैं तो क्या बीत सकती है, आप लोग समझ सकते हो गाइस। तो मैंने मेरे पापा को खो दी है 2020 में, तो इससे बुरा साल और कुछ हो ही नहीं सकती है। अच्छे भी कुछ कुछ चीज़ें हुई है, लेकिन मेरे पापा को मैंने खो दी है। तो जो भी हो, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, पॉजिटिविटी के साथ मैं रहना पसंद करती हूँ, और आप लोगों के साथ भी एक पॉजिटिविटी के साथ, एक बड़े से स्माइल के साथ मेरी आज की वीडियो की शुरुआत करूँगी। आपने भी, जो भी सारे लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया है पिछले साल, या फिर जिनकी भी जॉब चली गई है, तो मैं ऊपर वाले से, भगवान से यही प्रे करूँगी 2021 में एक ऐसी खुशी मिले, एक ऐसे टाइम आए, ताकि जो भी कुछ हम लोगों के साथ बुरे हादसा हुई है, वो सब कुछ को हम लोग ओवरकम करके एक नई लाइफ को जी पाए, एक नई तरीके से शुरुआत कर पाए हम सभी को, हम सभी अपने लाइफ को। मेरी हिंदी थोड़ी सी टूटी फूटी है, मेरी होप्स और मेरे दिल की बात आप लोग समझ पा रहे हो। तो जो भी हो, एक बड़े से स्माइल लेके मैं आज की वीडियो शुरुआत कर रही हूँ, आज की वीडियो की बात कर रही हूँ। और अभी करीबन 11:30 हो चुकी है, और आज मैं फर्स्ट टाइम मेरी बेबी बनीज की ग्रूमिंग करने वाली हूँ, तो वो ही मैं शेयर करूँगी। और पूरा साल में अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के साथ पूरे साल में शेयर करूँगी, और आप लोगों की भी सपोर्ट बनाए रखना, ये भी मैं ऊपर वाले से प्रे करूँगी, और आप लोगों की लाइफ में भी बहुत खुशियाँ आए मेरी तरफ से। तो गॉड के सामने मैं यही प्रे करूँगी हमेशा। तो जो भी हो, चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मेरी बेबी बनीज को ग्रूमिंग करूँगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी हेयर फॉल हो रही है, फर जो है वो फॉलिंग हो रही है। तो ये जो कोम आती है, जो जेंट्स के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, कुछ इस तरीके से होती है दिखने में, तो 5-10 रुपये में आप लोगों को इजीली मिल जाएंगे, 10-20 रुपीज़ के अंदर। तो इसी से मैं ग्रूमिंग करूँगी फर्स्ट टाइम, तो उसका रिएक्शन मैं देखती हूँ, क्योंकि हेयर फॉलिंग गोदी में लेने से फर वगैरह लग रही है कपड़ों में, तो वो सब कुछ मैं अच्छे से ग्रूमिंग करूँगी। और 1 जनवरी को, यानी कि कल जो है, मैंने मेरी बनी का भी ऑलरेडी ग्रूमिंग कर चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों का ग्रूमिंग करना, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, अभी मैं सारे बच्चों की ग्रूमिंग करूंगी, ये इसका फर्स्ट रिएक्शन हो रही है, फर्स्ट टाइम मैं करने वाली हूँ। और कोम को मैं फिर से दोबारा मैं दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके से होती है, दिखने में प्लास्टिक की होती है, और ये बहुत ज्यादा शार्प ना हो, ये वाले जो कोम की होते है ना, ये शार्प ना हो, इस तरफ भी आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले मैं कोको से शुरुआत करूंगी। कोको कहाँ गई? कोको आ जा, नहीं भागते, आ जाओ, नहीं डरते बाबा, मैं वो भालू बाबा ना। तो ये तो शांत होके बैठे हुए हैं, पता नहीं बाकी बच्चे क्या करेंगे। आजा भैया, आजा भैया है या फिर बहन, जेंडर अभी तक मैंने पता नहीं कि आप लोग समझ सकते हो, तो मैं बहुत जल्द जेंडर भी चेकआउट करूंगी, कौन सा फीमेल है और कौन सा मेल है ना। ये तो बहुत अच्छे से रिलैक्स होके कर रही है, और पीछे उस तरफ भी बच्चे बैठ बैठ के खुद से भी ग्रूमिंग कर रही है। बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रही है इसलिए, और बहुत हल्के हाथों से करनी है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देनी है, उस चीज में भी आप लोगों को ध्यान देना है। और बाकी बच्चे आके देख रही है, मम्मा कर क्या रही है बच्चों के साथ, मेरे भाई के साथ, बहन के साथ, है ना। उधर पे नहीं जाते, जाओ। और किस तरीके से क्लीन करना है, ओके, ये जो मेरा पूरा सेटअप है उसको मैं किस तरीके से क्लीन करती हूँ, फिर हाइडी हाउस, तो अभी फिलहाल यही हाइडी हाउस की काम कर रही है, इसके नीचे बच्चे जाके बैठ रही है, तो यही हो रही है हाइडी हाउस। अच्छा पापा, खड़ा हो जाओ, थोड़ी सी बस, ज्यादा तकलीफ नहीं देंगी मम्मा आपको, है ना। अच्छा ओके, डरते नहीं मम, ये तो अच्छे बच्चे की तरह ग्रूमिंग कर रही है।
ओके ये है मेरी कोको जो कि बहुत अच्छे बच्चे की तरह कर रही है। आ जाओ नेक्स्ट कौन आएगा जाओ जाओ बाबा जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट आओ बाबा आ जा आ जा। वो देखिए बाकी बच्चे डर के इधर पे टेडी बियर के पीछे आके छुप रही है। देखो आ जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट कोको उधर नहीं जाते आ जाओ नेक्स्ट कौन आना है आ जाओ मेरा बच्चा आ जा मेरी बच्ची ब्राउनी ब्राउनी कम ब्राउनी ब्राउनी बहुत ही हल्के हाथों से करनी है। ओके 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 डरते नहीं है रुको रुको पापा रुको हेयर फॉल हो रही है ना सबके कपड़े में आपकी हेयर लग रही है फर लग रही है अच्छे नहीं लगते ना बच्चे। आ जाओ उधर नहीं जाते आ जाओ अभी और कुछ ही टाइम के अंदर जो है धूप भी आना स्टार्ट हो रही है आप देख सकते हो ये जो सेटअप है ना प्रॉपर धूप आती है इधर पे बच्चों के लिए। बब्बा तू खड़ा हो जाओ खड़ा 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 ओके 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 अच्छा दुष्टुमी कौन है ना गंदे बच्चे हो जाते फिर ओके 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 ये तो अच्छे से शांति से करने नहीं दे रही है। आ जा लैक्सी कम लैक्सी लैक्सी कम है लैक्सी कम ओके कम कम है कम ओके 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 भागता नहीं। सबसे अच्छे से बैठ के जिन्होंने कोमिंग की है ग्रूमिंग की है वो है मेरी कोको और दोनों बच्चे शैतानी कर रही है। देखो 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 बच्चे को देखो वो फाइटिंग करने के लिए जा रही है नहीं करते पापा मेरे अच्छे बच्चे वो देखिए कैसे करूंगी मैं बनी बिल्कुल ऐसा शैतानी नहीं करती ना ही मेरी क्या बोलते चरी करती है ना ही सिम्बा ये बच्चे तो बहुत बदमाश है फर्स्ट टाइम कर रही है शायद इसलिए। गुच्चू पुच्चू खड़ा हो जाओ इसके अंदर आप लोगों को दिखाई दे रही है कुछ डोंट नो आ जाओ खड़ा हो जाओ बाबा सो गाइस फाइनली मैंने बच्चों को थोड़ी बहुत ग्रूमिंग करने की कोशिश तो की है प्रॉपर मैं ग्रूम नहीं कर पाई हूँ क्योंकि बच्चे इतना ज्यादा नटखट है और इतना ज्यादा शैतानी कर रही है और ये जो है बच्चों के लिए फिलहाल हाइडी हाउस की काम कर रही है इसलिए मैं हाइडी हाउस बना भी नहीं रही हूँ तो दो तीन दिन के अंदर मैं बनाऊंगी क्योंकि इसी के अंदर बच्चे जाके खेलते हैं छुपते हैं। तो जो भी हो गाइस आई होप मेरी आज की छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है और अगर मेरी आज की छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो देन एक लाइक कर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना।